सफर में मुश्किलें दरपेश होंगी, मगर ये काफिला चलता रहेगा। सफर हो कोई भी घर से निकलना पड़ता है, गुलों की चाह में कांटों पे चलना पड़ता है। किसी के वास्ते रुकता है ना रुकेगा ये वक्त, हमें ही वक्त के सांचे में ढलना पड़ता है। जो हस्तियां कभी खुद से जुदा नहीं होती, नजर के सामने उनसे बिछड़ना पड़ता है। ये जिंदगी है, यहाँ इस तरह भी होता है, किसी के वास्ते खुद को बदलना पड़ता है। मिजाज यार को समझोगे किस तरह से जफर, उसे समझने को दिल में उतरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन इकराम, अभी हम पहुँचे हैं जी किला रोहतास, और आज मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान हैं जी, आतिफ जफर साहब और आबिद साहब, तो आपको पता है मेरे साथ ही होते हैं। तो यहाँ पहुँच के हमने ये किया जी कि गाइड हैं हैदर अली, इनको हमने यहाँ कह लें कि इनको कहा जी कि हमें आप यहाँ की सैर करवाएँ, तो 500 रुपीज़ हम इनको पे करेंगे और ये इस पूरे किले का हमें विज़िट करवाएंगे। तो अब ज़्यादा देर नहीं रुकते जी, यहाँ चलते हैं। हैदर भाई बताइएगा जी, ये कौन सी जगह आप लेके आए हमें? सर ये जगह शाह चिनवली गेट कहलाती है। इस किले के टोटल 12 मेन गेट हैं। अच्छा। जिसमें से ये एक गेट, इसका नाम शाह चिनवली गेट है। ओके। और ये जिन बुजुर्गों का नाम से मंसूब है, ये साथ में उनकी कब्र है वो सामने, सैयद शाह चिनवली बुजुर्ग है। अच्छा। उनके नाम से ये गेट रखा गया है, और जहाँ से आपने एंट्रेंस की है उसको हासखानी गेट कहा जाता है। ओके। उसके बाद एक सोहेल गेट है। अच्छा। ये शाह चिनवली गेट है। फिर जब हम अंदर जाएंगे, अंदर बादशाही गेट, लंगर खानी गेट, शीशी गेट, कापी गेट, इस सर्विस के मुख्तलिफ गेटों के नाम है। बुर्ज भी कहा जाता है, बुर्ज मीन विफास्ती चौकी, जहाँ से आप तमाम इलाके को देख सकते थे। ओके। इसके टॉप के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इसका तमाम इलाका इसका नजर आएगा। ओके। इसके ऊपर जो से इसके किंगरेज वगैरह बने हुए हैं, और किंगरों के साथ डीप के अंदर एक नाली की शक्ल, स्लोप में नाली बनी हुई है, वहां से दुश्मनों के ऊपर गर्म पानी या गर्म तेल करके फेंका जाता था। ओके। उनके जो सर के ऊपर जो सब बाघ के सामने आते थे, फिर ऊपर से एरोज या तीर से उनको हिट किया जाता था। ओके। इसको बुर्ज कहा जाता है। ये 4 किलोमीटर के अंदर 68-68 बुर्ज है सर। ओके। ₹16,10,00,000 दरम इसके ऊपर खर्च हुआ है। इसका जो रकबा है ये 4 किलोमीटर 175 एकड़, तकरीबन 7 मरबे बना है। चलें आगे जी। जी सर आगे। सर ये जगह जो सी है, इस इलाके को शेरशाह सूरी का कोर्ट एरिया कहा जाता है। अच्छा। ये टॉप के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे स्पिरिट्स के अंदर काजी बैठा करते थे। ओके। और नीचे इस जगह पे उनकी सारी अदालत वगैरह लगा करती थी। ओके। इस इलाके को शेरशाह सूरी का कोर्ट एरिया कहा जाता है। ओके, जबरदस्त, चले आगे। जी सर। सर इनको किंगरे कहा जाता है। ये 4 किलोमीटर के अंदर 2360 किंगरा है। ये किंगरा है, 2360 किंगरे बने हुए हैं, और जो नालियाँ जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो आपको मैंने बताई हैं, यहाँ से गर्म पानी या गर्म तेल करके दुश्मनों के ऊपर फेंका जाता था, और फिर वो बाघ के सामने आते थे, फिर ऊपर से एरोज या तीर से उनको हिट किया जाता था।
ये देखिए आप किसके अंदर ये प्लस्तर जो इसका इस्तेमाल किया गया है ये ओरिजिनल असल हालत में कैम है 1541 का 1541 का अभी तक देखें ये कैसा है, बिल्कुल कैम दैम है, बिल्कुल असल हालत में ये किंगरे मौजूद है। सर ये सेल रूम या कैद खाना है, यहाँ पे ख़तरनाक कैदी रखे जाते थे, फिर यहाँ से निकाल के जो मैंने आपको बताया नीचे घर की शक्ल के अंदर वहाँ से कैदी निकाल के तो काजी साहब की अदालत में उनको पेश किया जाता था। सर इसको बुर्ज कहा जाता है, बुर्ज मेन हिफाजती चौकी जहाँ से तमाम फौज जो सी बाहर का इलाका देख सकती थी, इसको चेक पोस्ट कहा जाता है। ये 4 किलोमीटर के अंदर 68 ये जो सी 88 जो सी ये बुर्ज मौजूद है। सर ये जगह फांसी खाना या फांसी घाट के नाम से मशहूर है। यहाँ पे स्टेयर वाले तख्ता होता था बहुत बड़ा, जो बहुत बुलंदी के ऊपर होता था, उस तख्ते के ऊपर मुजरिम को खड़ा करके फिर ऊपर स्टोन किस्म के 3 बांस होते थे, उनके साथ एक फंदा हर वक्त नीचे लटकता रहता था जो उनके गले में डाल के नीचे से तख्ता खींचा तो वो बीच में मुजरिम चला जाता था। जब वो मर जाता था तो ऊपर से रस्से ढीले करके उसकी लाश इस कमरे में से निकाल के वारसों के हवाले कर दी जाती थी। नाज़रीन इकराम ये जो आपको सुराख दिखाई दे रहा है, इस सुराख से तीर बरसाया जाता था जब दुश्मन नीचे हमलावर होते थे, तो यहाँ उस वक्त जो सिपाही अपनी ड्यूटी अदा किया करता था। और ये देखें आप नीचे
खैर ये सामने जो आप देख रहे हैं ये चोर रास्ता या इसको चोर गेट भी कहा जाता है। जब अगर किले के ऊपर हमला हो जाए तो इस गेट में से फौजी एमरजेंसी यहाँ से बाग के साथ साथ में से जाके फिर आगे जाके किले के ऊपर चढ़ जाती थी। सर जिस जगह ये हम आए हैं ये शेरशाह सूरी मस्जिद कहलाती है। ये आप देखेंगे इसके अंदर आपको ऊपर स्टोन में अल्लाह ताला के इसमें ग्रामी भी लिखे हैं और ये गोल दायरे के अंदर कलमा तैयब लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ओरिजिनल इसकी असल हालत में ये मस्जिद कायम है। इस मस्जिद का नाम शेरशाह सूरी मस्जिद है। सर ये जगह जो आप देख रहे हैं ये डबल रूम्स के अंदर ये इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है। ये पहली बाउंड्री होती थी कि अगर जब वहाँ से खुदा ना खासा हमला पर जब हमला करते थे तो ये किला इसलिए बनाया गया कि ताकि वहाँ पे डिफेंस के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाए। अगर दुश्मन डिफेंस तोड़ के आगे बढ़ता था तो फिर ये गेट जो सा है ये बादशाही गेट यहाँ से मजामत की जा सके। तेरी यादें मिटाऊं भी तो कैसे, जीऊं कैसे बस इतना बता। तू मेरी सोचों में, तू मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में भी तू है। ना तेरी आहट है ना तेरी खुशबू है, फिर भी तू मेरे रूबरू सिखा दे। ओ हम सफर अपना बना ले। ओ हम सफर। सर जिस जगह अभी हम खड़े हैं इसको राजा मान सिंह की हवेली कहा जाता है। मान सिंह जो सा ये अकबर के नौ रत्नों में से एक था। मान सिंह अकबर बादशाह का काबिल तरीन जरनैलों में से भी एक जरनैल था। अकबर बादशाह ने मान सिंह की बहन के साथ शादी की थी जो बाद में जोधा अकबर के नाम से मशहूर हो गई थी। ये सर उसका पैलेस रूम बना हुआ है, इसको हवेली मान सिंह कहा जाता है।
ये कौन सी जगह है जी जहाँ आप लेके आए? सर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये बैक साइड के ऊपर एक गेट है बहुत बड़ा, इसका ओरिजिनल असल हालत में ये दरवाज़ा है, इसको सुहेल गेट कहा जाता है, जिनके नाम से ये मंसूब है वो कार्नल में बुजुर्ग है सुहेल बुखारी। अच्छा, ये उस पीरियड में शेरशाह सूरी पीरियड्स के अंदर उनके ये फौज के सलार वगैरह थे उनके अच्छा। नाम से ये गेट सुहेल गेट रखा गया। नाज़रीन कराम अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं जी, ये आखिरी पॉइंट है जहां हमें हैदर भाई लेके आए हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इधर नहीं आते, थोड़ा सा दूर है, सुहेल गेट है पीछे, वहां से ये 10 मिनट जो है आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो हैदर भाई बताइएगा जी इस जगह के बारे में। सर ये बावलीज है, बावली ज़मीन जिसके अंदर आप सीढ़ियों के ज़रिए जा सकती हैं, इसकी जो स्टेयर है 139 की रेंज में इसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। जब ये दौरान जंग ये जब किला बंद हो जाता था तो यहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो पानी है ये कब इस्तेमाल किया जाता था? सर ये जंगी हालत में जब इस्तेमाल किया जाता था, जब ये जंगें लगती थी, दो दो तीन तीन माह तक जंग जारी रहती थी तो फोर्ट बंद हो जाता था, तो फिर यहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, तो दूसरी बात नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हैदर साहब ने जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें विज़िट कराया पूरे इस एरिए का। हालांकि गाइड जो होते हैं वो अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये सुबह से हमारे साथ हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बस जी ये ख़त्म, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। आप जब भी इधर आएँ तो इनका टेलीफोन नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इनसे रब्ता करें और आपको ये पूरा एरिया विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। इनका नॉलेज बहुत है माशाल्लाह। और ये कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं जी? सर ये मेरे तो केवल 18 से 20 साल हो गए सर। अच्छा, और यहीं के रहने वाले हैं आप? मेरी यहीं की पैदाइश, यहीं की। माशाल्लाह। अच्छा, तो यानी ये सारा इल्म जो है ये आपके बुजुर्गों से आप तक? जी सर, मैंने सीना भी सीना बुजुर्गों से भी सीना और हिस्ट्री में पढ़ते रहे, काफ़ी किताबों से भी देखते रहे और साथ में कोई बुजुर्गों ने भी काफ़ी मदद की हमारी। अच्छा। ये सीना भी सीना हमारी चीज़ें वगैरह बताई। अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया जी आपके साथ। नाज़रीन इकराम, आज आपको जो हमारा आज का जो दौरा था आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है arshadvlog.com उस पर भी आप विज़िट करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की रज़ा से हैं निगबान भी हम।
दिए।